Assalamualaikum dear viewer, this is lecturer Imran with IIM Chemist और आज की इस वीडियो में हम stoichiometric calculations के बारे में पढ़ते हैं। आपके पास दो different methods हैं जिससे आप लोग ये calculation कर सकते हो। एक आपके पास लंबा चौड़ा method होता है जिसमें आप लोग conversion factor को use करते हो, mole ratio लेते हो, उसके बाद आप calculations करते हो। और दूसरा जो आपके पास सबसे simple तरीका है वो ये है कि आप इनकी ratio ले लें। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, इट इज ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है कि नाइट्रोजन जो है इसको यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। ये बनता किस चीज से है? इट इज कम्पोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 moles ऑफ अमोनिया। आप लोगों ने 5 moles अमोनिया की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो वो कैसे होगी? आप नाइट्रोजन उसको कितना रिक्वायर्ड है और हाइड्रोजन के कितने मोल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। इसके लिए सिंपल आप लोगों ने करना है क्या है कि बीच में आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक साइड पे आप रेशो लिखो नाइट्रोजन रेशो अमोनिया और दूसरी साइड पे आप लोग लिखो हाइड्रोजन रेशो एमोनिया। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपके पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 1 mole यूज हो रहा है। 1 mole अगर नाइट्रोजन की यूज हो रहे हैं तो आपके पास उस 1 mole की वजह से एमोनिया की प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 2 moles हो रही है। तो आप लोग लिखोगे 1:2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने 5 moles अमोनिया की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, 5 moles अमोनिया की प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? उसकी जगह पे आप क्या कर दो? सिंपल x लिख दो, इन दो वैल्यूज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2x दैट इज इक्वल टू 1 multiplied by 5। अब सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है कि ये 2 जो है इसको आप लोगों ने दूसरी साइड पर लेकर जाना है। यहां पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और अब देखो 5 multiplied by 1 से 5 आ जाएगा। इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2.5 moles। अब 2.5 moles नाइट्रोजन जो है वो रिक्वायर्ड है 2 moles अमोनिया की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट आपने जो रेशो निकालनी है दैट इज बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 3 moles और उसकी वजह से अमोनिया की कितने मोल्स की प्रोडक्शन हो रही है? 2 moles की। तो आप लिखोगे 3:2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 5 moles अगर आप लोगों ने अमोनिया की सिंथेसिस करनी है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? सो उसमें हाइड्रोजन के मोल्स आपने फाइंड करने हैं सो आप लिखोगे एक्स। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2x दैट इज इक्वल टू 5 multiplied by 3। अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज करें, 2 यहां पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो मेथड आप ये वाल भी कर सकते हैं कि दोनों साइड को 2 पे आप डिवाइड कर दें। 5 multiplied by 3 से आपके पास आंसर आएगा 15 और 15 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे 7.5। अब ये क्या है? दीज आर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 moles ऑफ अमोनिया। सो ये था आपके पास शॉर्ट तरीका जिससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन एनी टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू IIM केमिस्ट।